हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पॉजिटिव न्यूज़। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान को लेकर हर रोज़ कुछ ना कुछ नई अपडेट आ रही है। फैंस भी काफ़ी समय से किंग खान की इस फिल्म को देखने के लिए बेकरार हैं, लेकिन अब सभी का इंतज़ार खत्म होने वाला है क्योंकि पठान कल यानी 25 जनवरी को बड़े पर्दे पर दस्तक देने आ रही है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, रिलीज से पहले ही पठान के मेकर्स को जोर का झटका लगा है। दरअसल बताया जा रहा है कि शाहरुख खान की फिल्म पठान ऑनलाइन लीक हो गई है। जी हाँ दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पठान को रिलीज से पहले ही लोकल वेबसाइट पर फ्री में दिखाने का दावा किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कुछ लोग नहीं चाहते कि किंग खान की फिल्म पठान बड़े पर्दे पर रिलीज हो, इसलिए वो इस तरह के काम कर रहे हैं और वेबसाइट की ओर से ये दावा कर रहे हैं कि वो पठान फिल्म को अपने प्लेटफॉर्म पर फ्री में दिखा सकते हैं। वेल दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं, शुरू से ही सभी की नज़रें पठान फिल्म पर टिकी हुई हैं। जहां हर तरफ बॉयकॉट गैंग ट्विटर पर फिल्म का विरोध लगातार कर रहा है, वहीं कुछ वेबसाइट मूवी के लीक होने का दावा कर रही हैं। सो अब ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि इन सभी मुश्किलों के बीच पठान फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म करती है। दोस्तों बता दें आपको, शाहरुख खान की फिल्म ने एडवांस बुकिंग के जरिए ही अब तक 8 लाख से ज्यादा टिकट्स बेच डाली हैं, जो एक बड़ा आंकड़ा है। दोस्तों इस फिल्म के साथ करीब 4 साल बाद सुपरस्टार शाहरुख खान अपने फैंस के बीच पहुंचने वाले हैं, जिसकी वजह से फैंस में भारी क्रेज है। शाहरुख खान के अलावा फिल्म में दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी अपने अभिनय का जलवा बिखेरने के लिए तैयार हैं। सो आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म को देखने के लिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।